दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार और एक बार फिर मेरे चैनल में लैब टेक्नीशियन अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है मैं आपको बायोकेमिस्ट्री के फुल्ली ऑटोमेटेड मशीनों के बारे में अलग अलग जो है आपको बताने जा रहा हूँ, जानकारी देने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें मेरी वीडियो को और शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वीडियो को आप आखिरी तक देखें, है ना। तो मेरे साथ जो बलदेव हैं जो आपको जो है विस्तार से जो है जानकारी देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जो है मैं बायोकेमिस्ट्री के लैब में हूँ, तो बायोकेमिस्ट्री में जो है जो जो मशीनें हैं और कौन कौन से मशीनें हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, और उसके बाद जो है मेरे साथ जो है बलदेव हैं तो वो जो है पूरा जानकारी देंगे। जैसे कि ये मशीन आपको दिख रहा होगा अलग अलग, है ना। तो इस मशीन के बारे में बलदेव बताएंगे क्या क्या इसमें इसका पैरामीटर्स है और कैसे जो इसको ऑपरेट करते हैं कौन कौन से टेस्ट के लिए। बलदेव भाई बताएंगे क्या क्या है। ये अपनी सीमेंस डायमेंशन आरएक्सी मशीन है जी। इसमें अपन पूरे टेस्ट जो बायोकेमिस्ट्री में लगते हैं रूटीन में LFT RFT मैग्नीशियम फास्फोरस जो भी पैरामीटर आप स्टोर करके इसमें आप लगा सकते हैं। फुली ऑटोमेटिक मशीन है जी। आपको सिर्फ सैंपल इसमें रन करना, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है इसमें। जी, सैंपल कैसे रन कर, थोड़ा सा बताइए आप कहाँ पर सैंपल रखते हैं और क्या रखते हैं सैंपल। ये अपनी ये रेक है, ठीक है ना। ये जो रेक है इसमें एक रेक में अपन 10 टेस्ट लगा सकते हैं जी। ऐसे इसमें अपनी 5 रेक है। हाँ जी, हाँ जी। 50 टेस्ट अपन इसमें एक साथ रन कर सकते हैं। 50 टेस्ट है ना रन कर सकते हैं। सैंपल अपन जो है कौन सा लेते हैं, सीरम या फिर प्लाज्मा? इसमें अपन सीरम से लगाते हैं पूरे टेस्ट, और बाकी जो एजेंसी के लिए अपन होल ब्लड लेते हैं। अच्छा अच्छा, प्लेन एडिटी वाला ब्लड लगाते हैं एजेंसी के लिए, बाकी हर टेस्ट अपन सीरम से लगाते हैं। अच्छा, ये पूरा ऑपरेटेड जो है कंप्यूटर से होता है? हाँ, ऑपरेट फुली ऑटोमेटिक मशीन। उसके बाद जो है इधर जैसे कि हम देखते हैं ये वाला, है ना। तो ये वाला जो है इंटीग्रा, जैसे कोबास इंटीग्रा लिखा हुआ है ना, कोबास इंटीग्रा 400+, है ना। तो इसके बारे में आप बताएंगे, ये फुल्ली ऑटोमेटेड है ये भी, है ना। ये भी सीमेंट डायमेंशन की तरह है, सेम ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें भी अपन पूरा टेस्ट लगा सकते हैं, कंडीशन स्टोर कर सकते हैं। ये इसमें चल रहा है क्या कोई सैंपल? नहीं, अभी क्या है कि ये जो थोड़ा खोल के बताएंगे, जैसे ये जब ये है ये ग्रीन है तो मतलब ये अभी स्टैंड बाय पे मशीन है। जैसे ये रेड हो जाएगी मतलब तो ये रनिंग प्रोसेस में है, जिससे अभी अभी अपन ओपन कर सकते हैं। हाँ, अभी अपन खोल सकते हैं। इसमें कैसे अपन टेस्ट, यहाँ पर अपन टेस्ट लगाते हैं। हाँ, ये अपनी रिएजेंट मशीन है, यहाँ पर अपन रिएजेंट रखते हैं। हाँ, ये रिएजेंट मशीन, और यहाँ पे अपन रन, ये है अपनी रेक। हाँ, ये रेक है। एक रेक में अपन 15 टेस्ट एक साथ लगा सकते हैं। अच्छा, ये अपन 15 है। तो किस तरीके से इसमें सैंपल किस तरीके से लेते हैं अपन? कुछ कंडीशन में देते हैं, जैसे अपने एक एलिकेट होते हैं। हाँ जी, ये एलिकेट सर, ये एलिकेट है। इसमें अपना सीरम है, सीरम, और ये अपना लेब नंबर है, लेब नंबर जो कि यहाँ का रूटीन अपना चलता है जी, ठीक है ना। हाँ, सैंपल यहाँ रख दिया, जैसे कि ये TRF है, उस सैंपल का जो जो टेस्ट इसमें दिया है, है ना, वो टेस्ट जो है वहाँ पर रैक नंबर रख दिया। उसके बाद यहाँ पर कैसे हम ऑपरेट, ये अपना मेन्यू है, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले अपन ये है, यहाँ से अपन टेस्ट रन करते हैं जी, और यहाँ से अपन ये जो है यहाँ से अपन रिजल्ट देखते हैं। ये करके ये रिजल्ट है अपना, ये रिजल्ट शो करता है, ये पूरा रिजल्ट शो करेगा। यहाँ से अपन डेट वाइज डेट जैसे लेब नंबर है जिसका रिजल्ट खोलना, तो क्लिक करेंगे रिजल्ट शो करेगा। स्टार्टिंग कैसे, जैसे टेस्ट हमें परफॉर्म करना है किसी एक पेशेंट का, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? अपन इस पर क्लिक करेंगे, ये कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर अपन लेब नंबर जैसे 5394 लेब नंबर डाल दिया। हाँ जी, यहाँ से अपन ने जो से प्लाज्मा से लगा रहा है, सीरम से लगा रहा है, यूरिन से लगा रहा है, ये CSF ले रहा है आप। हाँ जी, CSF जो से आते हैं अपन प्रोटीन सुगर CSF से लगाते हैं। हाँ, और प्लाज्मा के लिए अपन ग्लूकोज से जो प्लाज्मा लेते हैं, और सीरम के लिए जो बाकी पैरामीटर अपन सीरम से लगाते हैं। हाँ जी, और जो हीमोलाइसेट है ये अपन HBNC के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, जो HBNC टेस्ट लगाते हैं, इसमें भी होल ब्लड से HBNC अपन लगाते हैं, DTA होल ब्लड से, ठीक है ना। जो सीरम के टेस्ट ज़्यादातर लगते हैं सीरम का, यहाँ पर अपने सीरम पूरा पैरामीटर्स दिया है अलग अलग, है ना। हाँ, सीरम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो भी टेस्ट लगाना आपको LFT लिपिड पोजीशन वगैरह, है ना, क्या क्या। हाँ, पूरा इसके बाद में अपन ये सीरम सिलेक्टर है। हाँ, इसके बाद में यहाँ से अपन रेक नंबर सिलेक्ट करते हैं। हाँ, जो इसमें ऑलरेडी पहले सिलेक्ट है एक नंबर। हाँ, तो अपन जैसे इसको क्लियर करके अपन जैसे नया लेब नंबर ले लेते हैं। हाँ, कोई सा भी 5594 93, ठीक है ना। इसमें अपन सीरम सिलेक्टर है, यहाँ से अपन जो भी रेक ले रहा है 1 2 3 4 जो भी रेक है, यहाँ रेक नंबर सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद में यहाँ सैंपल पोजीशन है, 1 से 15 तक है इस रेक में अपन जो लगाते हैं, 1 से 15 तक जहाँ भी अपन सैंपल रख रहे हैं वो पोजीशन है। जैसे ये अपन सिलेक्ट कर फर्स्ट नंबर रेक में, फर्स्ट नंबर जैसे 2 नंबर अपनी रेक हो गई और फर्स्ट नंबर पे अपना ये सैंपल होगा, ये अपन ने फर्स्ट नंबर पर रख दिया। इसके बाद जो भी टेस्ट लगाना वहाँ पर अपन क्लिक कर, जैसे LFT RFT लिपिड अपन को ये सब लगाना है, तो अपन क्लिक करके यहाँ पे सेव कर देते हैं, सेव है। अगर इसको स्टेट में लगाना मतलब जल्दी रिजल्ट के लिए स्टेट में लगाना, तो यहाँ पर अपन क्लिक करते हैं, उसके बाद अपन सेव कर देंगे। अच्छा, जैसे अपन को इसमें से किसी को हटाना, जैसे अपन को ये नहीं लगाना, तो उस पर क्लिक करके ये अपन इसको हटा भी सकते हैं, ये अपन इसको हटा सकते हैं। अच्छा, बाकी अपना जो लिपिड है वो फास्टिंग है, वो
वही लगता है LFT adapter routine उसके बाद सेव करने के बाद ये चालू हो जाएगा मशीन। जैसे अपन सेव कर देंगे हाँ। उसके बाद में अपन रिस्टार्ट करेंगे, जैसे स्टैंड बाई पे हो गई है हाँ। अगर यहाँ पे स्टार्ट बटन मशीन चालू है हाँ। रिस्टार्ट मतलब स्टैंड बाई पे मशीन ये है, जैसे ये शो करता है स्टैंड बाई पे आ गई है हाँ। तो अपन को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा हाँ। जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे मशीन चालू हो जाएगा। अभी जैसे ये मशीन, उसके बाद जब ये कर देते हैं रैक कब रखते हैं? ये जैसे अपन ने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने के बाद में अपन ओपन करके ये रैक यहाँ पे लगा देते हैं। अच्छा, ये नंबर पूरा हाँ, जो है जैसे कि नंबर हाँ, इसमें दिया है ना, जैसे ग्रीन है तो अभी स्टैंड बाई पे अगर ये यहाँ हाँ, पे रेड शो करेगी तो मतलब रनिंग में चलने लगेगी। अच्छा, यहाँ तो मतलब रेड, उसको अगर वो रेड में है तो उसको अपन निकाल नहीं सकते हैं। नहीं निकाल सकते है ना, नहीं वो प्रोसेस में, जब तक वो प्रोसेस में ग्रीन नहीं शो करेगी अपन किसी को नहीं निकाल सकते। उसके बाद जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर क्या उसमें कौन सा लाइट जलता है? ये ग्रीन शो करते हैं, ग्रीन शो करते हैं ना। उसके बाद फिर यहाँ पर रिजल्ट कैसे देखते हैं? यहाँ पे अपन इसमें आते हैं और यहाँ पे जो भी लेब नंबर से जैसे अपन ने लगाया है वो सबसे लास्ट में शो करेगा, उसको क्लिक करेंगे ये रिजल्ट शो कर देगा। इस तरीके से रिजल्ट शो कर देगा, उसके बाद इसको प्रिंट दे देंगे है ना। इसके बाद अपन टीआर पे वैल्यू फिल करेंगे हाँ। उसका सिस्टम से LI से अपन प्रिंट दे देंगे। अच्छा। और ये जो कंडीशन है यहाँ से अपन रिएजेंट चेक करते हैं हाँ। जो भी रिएजेंट रखे हैं अपन ने। अच्छा, ये मशीन में जो रिएजेंट है हाँ। और ये अपना एरर है, मतलब जो भी मशीन जैसे कोई भी अगर एरर देती है, कोई प्रॉब्लम अगर आती है ना हाँ। तो ये मैसेज के तौर पर करती है, जो भी एरर आते हैं यहाँ पे अपने शो कर देते क्या प्रॉब्लम है। मशीन ऑटोमेटिक बता देती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आया, तो ये मैसेज के थ्रू यहाँ बता देती है। इसी कंडीशन क्लीन है, जैसे इसका पूरा मेन्यू है, यहाँ से अपन वर्क लिस्ट है, कैलिब्रेशन अगर मशीन का कैलिब्रेशन करना तो यहाँ से कैलिब्रेशन करते हैं ये ऑप्शन ओके करके। और एक कंट्रोल है जो रूटीन में अपन जो कंट्रोल लगाते हैं, यहाँ से कंट्रोल लगाते हैं। कंट्रोल अच्छा। और कैलिब्रेशन सेम प्रोसेस हाँ। सिंपल रन जैसी है अच्छा। बट आपको क्लिक अलग करना पड़ता है हाँ जी ठीक। ये मशीन प्रोसेस हाँ। कंडीशन ये है कि इसका कहता हूँ मेंटेनेंस अपना हाँ। मशीन का जो कि कोई भी मशीन एक्सरसाइज कोई मशीन होती है उनका मेंटेनेंस मेनली बहुत जरूरी होता है। मेंटेनेंस के लिए अपन क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले वेस्ट होता है जी, क्योंकि मशीन में से वेस्ट निकलता है, ये अपना वेस्ट है हाँ, ये वेस्ट है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट वाटर है, इसको अपन फिल करते हैं। जब मशीन का जो मॉर्निंग में मेंटेनेंस होता है, डेली मेंटेनेंस होता है कंट्रोल लगाने से पहले, वेस्ट अपन फेंकते हैं, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाटर इंटर करते हैं इसमें अपन। इसके बाद में ये यहाँ पर ये है, इसमें डिपोर्टिनाइज एक्टिवेटर अपन सभी फिल करते हैं हाँ। सुबह मॉर्निंग में। अच्छा, सुबह डिपोर्टिनाइज तो अपना अवेलेबल रहता है, पर जो एक्टिवेटर है अपना सीरम ही रहता है, इसमें अपन यहाँ हाँ। पे फिल करते हैं। अच्छा, ये वाली रैक में। इसके बाद में अपन ये पूरा फिल करने बाद में यहाँ पे वेस्ट है, क्यूबेट है यहाँ पर हाँ। जो भी वेस्ट क्यूबेट वगैरह यहाँ पे आते हैं इनको अपन फेंकते हैं, ठीक है ना, मॉर्निंग में इनको फेंकते हैं हाँ। ये क्यूबेट जो अपन यहाँ पे फिल करते हैं वो जो क्यूबेट है हाँ। यहाँ पे जो अपन ये क्यूबेट फिल हाँ, करते हैं उसमें क्यूबेट। जो क्यूबेट आता है, क्योंकि अंदर मल्टी डाइलेशन अंदर होता है ना, क्यूबेट के अंदर होता है। अच्छा, तो वेस्ट निकलता है उसका। तो इतना ये पूरा प्रोसेस जो है कोबास इंटीग्रा का है ना। उसके बाद ये वाला मशीन जो रखा है हमारा अगला, ये कौन सी मशीन है? ये E411 है कोबास की हाँ। इसमें अपन थायराइड ट्यूमर मार्कर जो भी टेस्ट लगाना, इसमें अपन ट्रोपाई वगैरह ये सब हाँ। इसमें अपन रन करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप बताएंगे प्रोसीजर क्या है इसका? इसका भी सेम वैसे किसी भी मशीन का सब सेम प्रोसीजर रहता है इसमें भी हाँ। जैसे ये अपना मेन्यू है, ठीक हाँ। है ना, कोई भी अगर अपन टेस्ट रन करना हो तो अपन वर्क प्लेस पे जाते हैं। वर्क प्लेस के जाने के डाटा रिव्यू, मतलब रिजल्ट देखने के लिए, ये टेस्ट सिलेक्शन मतलब आपको टेस्ट लगाना, इसमें भी सेम पोजीशन है एक साथ अपन। हाँ जी, ये जो पूरा है टेस्ट का है ना, ये पूरा टेस्ट का एक साथ अपन 30 हाँ। लगा सकते हैं एक साथ अपन। अच्छा। इसके बाद में अपन यहाँ पे पोजीशन देते हैं, जैसे एक नंबर पे रख रहे हो आप सिंपल तो एक नंबर सीरम हाँ, दो नंबर ये जिस पे रख रहे हो आप वो पोजीशन देगा। उसके बाद में जैसे अपन एक पे लगा रहे हैं, इसको इंटर कर देते हैं, ठीक हाँ। है ना, यहाँ पे लेब नंबर जो अपन सेम है वो डाल देते हैं, और ये टेस्ट है अपन जो भी अपन को लगाना उस पर क्लिक कर देंगे, TSH हो गया, T4 T3 है ना, जिसको भी हाँ जिसको भी क्लिक करेंगे यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में यहाँ से फिर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और मशीन स्टार्ट हो जाती है, नहीं करना है यहाँ से अपन कैंसिल कर देते हैं। इसमें सेम प्रोसीजर कैलिब्रेशन ये सब पूरा मेन्यू अपना शो करता है हाँ। और रिएजेंट अपन यहाँ पे फिल करते हैं, यहाँ पर पूरा ये रिएजेंट एरिया है हाँ। इसमें अपन रिएजेंट रखते हैं, इसको ओपन करके बता सकते हैं। इसमें ना ये है अपना, अभी क्या अपना जो मशीन अभी प्रोसेस में मशीन है अच्छा, तो अपन में, हाँ, तो अपन कवर ओपन नहीं कर सकते इसमें अच्छा, प्रोसेस अच्छा। में अगर जैसे स्टैंड बाय पे यहाँ पे शो करता है स्टैंड बाय पे, तो अपन उसको ओपन कर सकते हैं। स्टैंड बाय पे मतलब के मशीन फ्री है अभी क्या रनिंग पे, तो इसलिए अपन कवर ओपन नहीं कर सकते हाँ, ठीक। ये अपना क्यूबेट वगैरह जो टिप्स वगैरह यूज होती है, ये टिप्स है अपने अच्छा। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये अपना वेस्ट है हाँ। सेम, इसमें हाँ, उसी की तरह है हाँ, सेम मेंटेनेंस सबका सेम रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह सब रहते हैं हाँ। ये PCCL वगैरह है क्लीन करने के लिए, ये दो प्रोब होती है अपनी, एक रिएजेंट प्रोब होती है, एक अपनी सीरम जो सैंपलिंग प्रोब होती है हाँ। इसका 3 टाइप का मेंटेनेंस होता है, मंथली मेंटेनेंस होता है, वीकली हाँ। मेंटेनेंस होता है और डेली मेंटेनेंस होता है। डेली मेंटेनेंस सेम वही करते हैं, वेस्ट फेंकते हैं,
ये वेस्ट फेंकते हैं, डिस्ट्रॉयर एंटर करते हैं, क्यूबेट वगैरह फेंकते हैं, वो सेम मशीन है। उसके बाद जो है अगला कौन सा है, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम पोटेशियम रन करते हैं। सिंपल, इसका प्रोसीजर कैसे है? इसका कुछ नहीं है, अपन को ये जो क्लियर दिख रहा है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम में लगाते हैं इसमें। इसमें सिंपल सेम प्रोसीजर है, अपन इसको करने के लिए इसको ओपन किया, एक बीप बजेगी, बीप बजने के बाद अपन जैसे इसको पिला देते हैं, जैसे लेब नंबर है 5385, ठीक है ना, फिर एक बीप बजेगी, उसको निकाल लेते हैं, उसको ओपन क्लोज कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे टाइमिंग शो करेगी, उस टाइमिंग से 42 सेकंड मिनट में रिजल्ट वो दे देगी, ये टाइमिंग शो कर रहा है उसका। उसके बाद इसका जो है रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आया सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम का, एनएस कैल्शियम का, अपन ये लगाते हैं इसमें। अच्छा, पूरा पैरामीटर है इसका। चलिए, उसके बाद ये C111 है, इसमें सेम प्रोसेस जो एलएफटी आरएफटी वगैरह इसमें अपन, अच्छा इसमें भी पूरा है ना, लेकिन इसमें कम सैंपल रन कर सकते हैं, छोटा मशीन, 8 सैंपल रन कर सकते हैं उसमें एक साथ, अपन 45 सैंपल रन कर सकते हैं। अपना 3 रेक है, 2 रेक अपनी ट्यूब वाली है जिसमें अपन HVNC लगाते हैं, इसमें अपन 8 टेस्ट एक साथ रन कर सकते हैं। ये सब वही रीजन, ये वेस्ट वगैरह वो जो अपन सबका सेम रहता है वो मेंटेनेंस होने का। ठीक, ये मिनी विडास है अपनी, इसमें अपन सेम E411 जो कोबास की तरह इसमें भी टेस्ट लगा सकते हैं। अच्छा। इसमें अपन एक साथ 12 टेस्ट लगा सकते हैं, इसमें 2 रह के, इसमें एक साथ, इसका कंडीशन क्या है, इसमें रिजल्ट थोड़ा लेट आता है, उसमें जल्दी आता। उसके बाद ये वाला, और ये है जी, ये भी अपनी सीमेंस की मशीन है, इसमें भी अपन मिनी विडास वगैरह रन करते हैं, सेम कोबास E411 वगैरह, इसमें थायराइड वगैरह इस समय इसमें रन करते हैं। अच्छा, ये भी क्या है, ये अपने सैंपलिंग है, यहाँ पर अपन रिएजेंट वगैरह रखते हैं, यहाँ पर ये रिएजेंट रेक है और ये अपनी सैंपलिंग रेक है। इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है, वो वेस्ट वगैरह वो जो मेंटेनेंस करते हैं, सभी मशीनों का 3 टाइप का मेंटेनेंस होता है, मंथली, वीकली और डेली मेंटेनेंस। डेली मेंटेनेंस अपना जो जो रूटीन में जो वेस्ट आता है उसको अपन फेंकते हैं, डिस्ट्रॉयर एंटर करते हैं, सेम वही कंडीशन अपन। इसमें कौन कौन से टेस्ट लग जाते हैं पूरे? इसमें अपन थायराइड वाले पूरे लगा, थायराइड वाले, ट्यूमर मार्कर, ट्रोपाइक, कार्डियोलॉजिस्ट, सभी टेस्ट लगा सकते हैं। बाकी और भी आप ट्यूमर मार्कर जो भी टेस्ट है अपन इसमें रन कर सकते हैं, इंस्टॉल करके इसको रन कर सकते हैं अपन। चलिए ठीक है, उसका रिजल्ट आ गया होगा जैसे अभी ये रिजल्ट शो कर दिया उसने, तो इसको बैक करने वाले इसमें यस करेंगे और यस करेंगे, ये अपना रिजल्ट आ गया। इस तरीके से रिजल्ट आ गया, सोडियम का पोटेशियम, पोटेशियम 4.0, आईएनएस कैल्शियम 1.02, ये अपना इलेक्ट्रोलाइट का रिजल्ट है। अच्छा, इसका भी मेंटेनेंस होता है, मॉर्निंग में मेंटेनेंस करते हैं इसका, डिपोटनाइज और कंडीशन करके उसका मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस सभी मशीनों का होता है जो कि अपन करना जरूरी रहता है। जैसा कि मैंने दिखाया है ना, बायोकेमिस्ट्री में जितने की फुल्ली ऑटोमेटेड मशीनें हैं, अलग अलग जो है कंपनी की मशीनें हैं, है ना, तो ये जो है बड़ी बड़ी मशीनें जो रखी हैं उनके बारे में मैंने डिटेल में जो है आपको जानकारी दे दिया, और बलदेव भाई ने जो है अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेनेशन किया हर मशीन के बारे में, टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जैसे कि सारे मशीनें आप देख सकते हो, है ना, तो पूरा मशीन जो है बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर जो है ना, तो पूरा अलग अलग जो है टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं सब मशीनों का जो है अलग अलग जो है जैसे कि दिया।